का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ थ्री डायमेंशनल जीमेट्री एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर वन तो जो इसमें प्लेन का इक्वेशन गिवेन है तो इसमें दिया है जेड इक्वल टू टू ये प्लेन का इक्वेशन गिवेन है अब इसको हम जीरो डॉट एक्स जीरो वाई, और चूंकि यहाँ जेड का कोफिशियंट वन है तो वन हम इसको ले सकते हैं इक्वल अब ये जो जीरो है एक्स का बाई का जो जेट काियंट है ये कहलाता है डायरेक्शन तो जेट तो यह का, 0, बाई का, 0, और Z का 1 है, यही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज अब हम निकाल लेंगे आर की वैल्यू तो आर इक्वल टू होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यहां हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस वन तो ये वन हो जाएगा अब इस वन से इक्वेशन वन को हम डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं वन से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी इसमें कोई डिफरेंस आना नहीं है तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका जीरो डॉट जीरो डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट बाई वन डॉट जेड इक्वल टू टू ये वैल्यू आ जाएगी अब ये जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो है प्लेन के इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा अब हम जानते हैं जब इसको हम नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो होता है इज एल एक्स प्लस एम बाय प्लस एन जेड इक्वल टू डी ये हो गया इक्वेशन थर्ड और चूंकि तो जो है नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा तो जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन एंड डी इक्वल टू हो जाएगा टू ये जो एलेमेंट है यह कहलाता है डायरेक्शन रेशियोज और जो डी है यह प्लेन के नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाता है तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं देयर फोर देयर फोर डायरेक्शन सॉरी एलेमेंट डायरेक्शन को साइन कहलाता है तो देयर फोर डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल आर जीरो जीरो वन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन इच टू जो डिस्टेंस है वो टू हो जाएगा अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे आपका यह हो जाएगा गिवेन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो डायरेक्शन रेशियो हो जाता है चूंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी जेड सी जेड इक्वल टू डी ये जो है डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन होता है तो यहां से जब कंपेयर करते हैं तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है एक्स प्लस क्वल टू वन जो होता है इसमें ये जो कोफिसियंट है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है तो देर फोर डायरेक्शन रेशियो ऑफ इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर वन तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन वन आर तो एक्स का कोफिसियंट वन वाई का कोफिसियंट वन जेड काफिशियंट वन हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज आप प्लेन वन आर ये वन वन हो जाएगा तो देयर फोर जो आर निकलेगा आर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स स्क् वन का स्क्वायर वन वन का स्क्वायर वन वन का स्क्वायर वन तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा रूट थ्री अब इस रूट थ्री से इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई रूट थ्री रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो एक्स का रूट थ्री जेड और वन ऑलरेडी लिखा है तो यह हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री यहां से भी हम देख सकते हैं कि since equation of इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन होता है हम जानते हैं वो होता है एलेक्स प्लस एम वाई प्लस एनजेड इक्वल टू डी जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर इसको हमने लिया था यहां पे आप देख सकते हैं इक्वेशन वन तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड तो इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन थर्ड तो यहां हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू वन अपन रूट थ्री एम इक्वल टू वन अपान रूट थ्री एन इक्वल टू वन अपान रूट थ्री और जो जेट की वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू डी इक्वल टू हो जाएगा वन अपान रूट थ्री एलेमेंट जो है डायरेक्शन को शाइन कहलाते हैं नॉर्मल का और जो डी है ये नॉर्मल की डिस्टेंस कहलाती है ओरिजिन से तो देयर फोर डायरेक्शन cosine of normal are one upon root three, one upon root three, 1 upon root three, and distance distance of normal, फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से जो नॉर्मल का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इज वन अपॉन रूट थ्री ये जो है डी की वैल्यू जो है जो यहां डी की वैल्यू आती है यह नॉर्मल का डिस्टेंस होता है इसी तरह से इक्वेशन थर्ड भी सॉल्व किया जा सकता है इक्वेशन थर्ड है इसमें लिखा है टू एक्स प्लस थ्री बाई माइनस जेड इसको हम शॉर्टकट कट में बताएंगे अब बाकी आप रूल कैसे लिखना है आप देख सकते हैं तो यहाँ जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा टू थ्री और जेड का कोफिशियंट वन है माइनस वन रूल कैसे लिखना है फर्स्ट और सेकंड में देख सकते हैं तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहां से हम आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन स्क्त तो नाइन टेन रूट को पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन फोरटीन एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट फोरटीन वाय माइनस वन अपान रूट फोरटीन जेड इक्वल टू फाइव अपान रूट फोरटीन तो दोस्तों हम यहां से देख सकते हैं कि जो ये एक्स बाई जेड का कोफिशियंट है ये नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन कहलाएगा तो यहाँ डायरेक्शन को साइन हो जाएगा एल इक्वल टू अप टू अपान रूट फोरटीन एम इक्वल टू थ्री अपान रूट फोरटीन एन इक्वल टू माइनस वन अपान रूट फोरटीन और जो नॉर्मल की डिस्टेंस है ओरिजिन से ये लास्ट वाला होता है जिसको डी बोलते हैं यह होता है फाइव अपान रूट फोरटीन इसी तरह से जो डी है डी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं डी में कुछ डी दिया हुआ इसको भी हम शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि आपको रूल कैसे है ये आपको पता चल गया डी में दिया है फाइव बाई प्लस एट इक्वल टू जीरो हो जाएगा जीरो इंटू एक्स प्लस फाइव बाई प्लस जीरो इंटू जेड अब एट को हम इस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस एट क्योंकि एट जो है डिस्टेंस बनेगा इसलिए ये निगेटिव नहीं होगा इसलिए हम इस इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस फाइव बाई माइनस जीरो इंटू जेड इक्वल टू एट अब यहां जो डायरेक्शन रेशियो होगा जैसा कि हमने देखा ये हो जाएगा इक्वेशन वन अब यहां जो डायरेक्शन रेशियो होगा तो जीरो चूंकि माइनस जीरो लिखा नहीं जाता माइनस फाइव और जेड का कोफिशियंट जीरो अब इसके बाद हम निकालेंगे आर तो जब आर निकालेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो 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 का हो जाएगा फाइव ये आर हो जाएगा अब फाइव से हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं तो यह हो जाएगा जीरो में फाइव को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा तो यह हो जाएगा जीरो एक्स जीरो में माइनस प्लस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं फाइव अपान फाइव बाई और यहां भी हो जाएगा जीरो जेट जीरो डॉट जेट और ये हो जाएगा एट अपान फाइव यहाँ मस्ट माइनस लिखे या प्लस लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो क्योंकि आना तो जीरो ही है अब यहां से ये जो है इक्वेशन सेकंड है ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो गया है अब इसको यदि हम LX D से कंपेयर करेंगे तो एल इक्वल टू हो जाएगा जीरो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन एन इक्वल टू हो जाएगा जीरो और डी इक्वल टू हो जाएगा एट अपॉन फाइव तो ये कहलाएगा आपका डायरेक्शन कोशाइन और ये कहलाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस तो ये हो गया क्वेश्चन इलेवन पॉइंट थ्री दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें थैंक यू